हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अब आप लोगों का जेई मेंस का जो एग्ज़ाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट शिफ्ट वाला, मतलब लगभग ख़त्म हो गया है। तो अब देखो, ये वीडियो मतलब मैं आपको कुछ नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बारे में भी बताने वाला हूँ, और इस एग्ज़ाम में आपने क्या किया वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइएगा। अब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, हो सकता है कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, कुछ का एवरेज है, और कुछ लोगों का अच्छा नहीं गया है। तो एक एग्जाम कभी भी जिंदगी डिसाइड नहीं करती है कि एक एग्जाम खराब हो गया तो आप जिंदगी में फ्लॉप हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर और है, सेकेंड अटेम्प्ट। तो आप अपने गलतियों से सीखिएगा कि इस एग्जाम में आपने क्या गलती किया, कहाँ कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि वो आप अच्छा स्कोर करने से बच गए हो, तो उसको सुधारो। अभी हमारे पास टाइम है, नेक्स्ट एग्जाम अप्रैल में है, तो अभी अपने पास टाइम है कि जो थोड़ा बहुत गलती है उसको हम सुधार के नेक्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जेई में टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 साल पढ़ाई किया है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, मैं हमेशा से बोलता हूँ, आप लोग जानते हो, क्लास में भी मैं ये बात बोलते रहता हूँ कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि वो एग्जाम में पूरा बाबू कभी नहीं बनेगा। जब तक आपका प्रैक्टिस बहुत फारू नहीं है ना, तब तक आप मैथ में पूरा बना के नहीं आ पाओगे। तो मैथ्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें टाइम लगता है। तो आप अपना जैसे इस साल का जो पेपर है, जो चारों शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसमें अगर हम लोग देखें तो सबको पता है कि केमिस्ट्री इजी था, उसके बाद फिजिक्स था, उसके बाद मैथ था। तो बच्चों का थोड़ा सा मैथ्स में दिक्कत हुआ है कुछ बच्चों को, जिनका प्रैक्टिस अच्छा नहीं था। लेकिन जो बच्चे अच्छा प्रैक्टिस करके गए थे मैथ्स में, वो हमारे बच्चे मतलब 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन करके आए हैं और सही करके आए हैं। तो दैट मीन्स क्वेश्चन टफ नहीं था, बट आपका प्रैक्टिस का कमी है। मैथ्स को ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, एकदम शिद्दत वाला प्यार होना चाहिए मैथ्स से, तब जाके वो क्वेश्चन आप मतलब 100% करके आओगे मैथ्स में। तो आप ये कोशिश कीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री इजी होता है, फिजिक्स इजी मतलब फिजिक्स तो उतना इजी नहीं, बट केमिस्ट्री एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। तो आपका कोशिश क्या होना चाहिए कि आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आप ज़्यादा मतलब एग्जाम में आसान क्वेश्चन आया है तो आप कोशिश करो कि 30 to 45 मिनट्स में ये निपटा दिया जाए। और जैसे तुम लोगों ने देखा है, हमारे 2-3 बच्चे ऐसा करके भी आए हैं। तो आप 30 to 45 मिनट में केमिस्ट्री बनाइए। अगर ये केमिस्ट्री इतना टाइम में आप कर लेते हो, तो जो तुम्हारा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, उस टाइम को मैथ्स में लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स कितना भी इजी पूछेगा तो वो टाइम लेगा, 1 घंटा में मैथ आप नहीं कर पाओगे। तो इधर से 15 मिनट बचाना है, हो सके तो फिजिक्स से भी बचता है तो बचा लीजिए, और वो बचा हुआ टाइम मैथ्स को दीजिए, तभी जाके मैथ्स का पेपर आप सॉल्व करके आओगे। तो लेवल वाइज बात करोगे तो सबसे आसान था केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, और हमेशा की तरह मैथ्स। यही तो था इस बार के पेपर का लेवल, हर बार लगभग यही रहता है। हर बार जितना मेंस का पेपर आप लोग देखोगे, सब में यही सीक्वेंस होता है। केमिस्ट्री थोड़ा इजी पूछा जाता है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ। मैथ का क्वेश्चन लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है, तो वो करने में हम लोगों को टाइम लग जाता है। तो उस पर ध्यान देना है, उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि इधर से टाइम निकाल के बचा के इधर इन्वेस्ट करना है, तब जाके मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। ये तो हो गया। अब जिन बच्चों का अच्छा गया है, उनको बेस्ट ऑफ लक है कि वो एडवांस का तैयारी अच्छे से करे। वो मतलब एग्जाम खत्म, एक दिन छुट्टी मना लो। जिनका बोर्ड है वो तो बोर्ड दे रहे हैं, जो टारगेट के बच्चे हैं, जिनका बोर्ड वगैरह नहीं है वो एडवांस पे लग जाइए, और एडवांस पे लग जाइए एकदम। आज एक दिन छुट्टी मनाए, जिनका एग्जाम कल खत्म हुआ है वो आज छुट्टी मना लो, मस्ती कर लो, और फिर एकदम जी जान लगा दो, अपना 100% दे दो, सब कुछ भूल के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अपना लो। ये जो टाइम बचा हुआ ना, अभी से लेके सेकेंड एग्जाम और एडवांस के बीच का, यही टाइम तुम्हारा कैरियर बदलने वाला है। ये अगर आप 2-3 महीना जो एडवांस का हमारा टाइम है उसमें अच्छे से पढ़ाई कर दोगे, तो आप किसी ना किसी अच्छे NIT में होगे, अच्छे IIT में होगे। तो बस बाबू यही मेहनत करना है और हौसला नहीं हारना है। हम लोग आपके साथ हैं, पूरी हमारी टीम आपके साथ है, तो इसका ध्यान रखना है। अब एडवांस के लिए क्या करें या नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्या करें, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम अप्रैल वाले एग्जाम पे बात कर रहे हैं कि अप्रैल का जो हमारा एग्जाम है उसके लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर सकता है। किसी बच्चा का हो सकता है केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो, किसी का फिजिक्स अच्छा होगा, किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का
एवरेज होगा तीनों। तो आप अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि आप पहले केमिस्ट्री पढ़ो अगर खराब है तो, आज इसका अच्छा होगा वो केमिस्ट्री क्यों पढ़ेगा भाई। तो अगर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वैरी करने वाली बात है कि हमारे पास सर तीन ही सब्जेक्ट तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो ये आप देख लो कि आपका कौन सा पोर्शन कहाँ कमी रह गया है। और इस बार केमिस्ट्री की बात करें तो शायद मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हूं नहीं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो आप लोगों को कोशिश, केमिस्ट्री वाले सर यहाँ पे हैं तो ये भी वो सुन रहे हैं, तो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान कम देते हैं, तो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम करिए, जिनका अच्छा नहीं है वो काम करें। मतलब केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि तुम्हारा मेंस क्वालिफाई कराने वाला सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन आता है, अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना तो 25 में से 25 बना के आ सकते हो। ये नहीं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स ही की बात करूंगा, नहीं, मैथ्स 25 में 25 बनना बहुत टफ होता है, बट ये भाई आप लोग कर सकते हो। तो इस पे दम पूरा फोकस करो, जिसका जिसका केमिस्ट्री लग रहा है कि सर थोड़ा सा लैक हो रहा है वो काम करेगा, किसी का फिजिक्स पे लैकिंग होगा फिजिक्स पे काम करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो कि ये 4 शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस अपने से करो। और कल या परसों एक हम लोग और वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा ओवरऑल एनालिसिस करेंगे पेपर का, जो इस बार पेपर हुआ है हमारी काम चल रहा है उस पर, तो उस पर हम बता देंगे किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो आप सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको डिस्कस कीजिए, अपने से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स को हमेशा देखते रहिए। और एडवांस तो मेंस में इतना करोगे तो आपका नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा जाएगा ही जाएगा। अब रही बात एडवांस के लिए, अब जिन बच्चों का इस बार मेंस में अच्छा हो गया है, जिनको लग रहा है कि सर मेरा तो 200 प्लस आ रहा है, 180 प्लस आ रहा है, तो 180 प्लस 200 प्लस वाले जो बच्चे, मतलब उनको लग रहा है कि मेरा सर बहुत अच्छा गया है, हम 180 प्लस हैं, 160 प्लस हैं, तो भी आपको NIT मिल जाएगा। तो आप एडवांस पे मेहनत करिए, एडवांस पे मेहनत करने के लिए, अब देखो एडवांस थोड़ा दूसरे टाइप का एग्जाम होता है, मेंस है फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम है, बहुत कुछ हमको याद रहनी पड़ती है, लेकिन एडवांस का एग्जाम एकदम एकदम कॉन्सेप्चुअल होता है, आपका सब्जेक्ट का वो डेप्थ चेक कर लेगा कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज कहाँ तक है, वो वहां तक जाएगा। तो आप अच्छे से जो भी टॉपिक्स हैं उसको ढंग से पढ़िए और एक बार पूरा PYQ लगा जाओ। देखो PYQ लगाना बहुत जरूरी है, वो मेंस हो एडवांस हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना तो PYQ मस्ट है। तो आप एडवांस के लिए क्या करिए, पूरा उसका जो PYQ है वो एकदम पहले अटेम्प्ट में तो वही लगाइए, जो टॉपिक आपका अच्छा हो गया, ऐसा लग रहा है कि सर मैथ्स में हमको कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम कोऑर्डिनेट का PYQ एक बार लगा लो JEE एडवांस वाला, अगर तुमसे सब बन जा रहा है मतलब ठीक है तुम्हारा। वैसे ही PYQ लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उस टॉपिक पे हमको प्रॉपर थियरी में और कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, ठीक है। तो ये एडवांस के लिए ऐसे ही करना है, और हौसला बिल्कुल नहीं हारना है, अपने आप पे भरोसा रखो, नेक्स्ट एग्जाम अच्छा जाएगा। आई होप सब लोग, आप लोग अच्छे करके आओगे। ओके, थैंक यू।